हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट वेट ऑफ रीइन्फोर्समेंट बार को लेके। रीइन्फोर्समेंट बार का यूनिट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, वो है d²/162। ये कोई एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो कहाँ से आता है ये d²/162, वो देखते हैं। मानते हैं ये एक रीइन्फोर्समेंट बार है जिसका डायामीटर है डी, और इसका लेंथ हम लोग लेते हैं वन मीटर। इसको हम लोग मिलीमीटर में ले जाते हैं, 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर का एक रॉड है। रॉड का अब हम देखते हैं ये जो सरफेस है, इसका हम लोग को एरिया निकालना है पहले। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रॉड है π d²/4 फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम को निकालना है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ रॉड हो गया एरिया इंटू लेंथ। लेंथ हम लोग को पता है कि 1 मीटर का लेंथ है, और रॉड का ऊपर वाला एरिया कितना है π d²/4, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आप क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टील, जो स्टील हम लोग यूज़ करते हैं साइड में, उसका डेंसिटी है 7850 kg/m³। तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो इससे हम लोग वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब चीज़ को हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग इसका लेंथ को 1 मीटर से क्या ले लिया, 1000 मिलीमीटर। अब इसका डेंसिटी क्या था, 7850 kg/m³। इसको kg/mm³ में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1 मीटर = 1000 मिलीमीटर। तो ये आ गया है 7850 / 1000 × 1000 × 1000 kg/mm³। अब हम लोग वेट निकालेंगे। वॉल्यूम था π d²/4 मतलब 3.14/4 × d² × 1000 × डेंसिटी। डेंसिटी था 7850 / 1000 × 1000 × 1000। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये 1000 कट जाएगा, बाकी जो बचा है इसके लिए हम आएगा d² × 0.00616225। अब इसको नीचे ले आ जाते हैं, d² के नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, 1/0.00162225 लाना है। इसका वैल्यू आ जाता है d² / 162.29, जिसको हम लोग करीब करीब d² / 162 पकड़ लेते हैं। अब ये जो d² / 162 है, ये 1 मीटर के लिए है। तो फिर हम लोग को अगर ज़्यादा लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, हम इससे लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं आप एक 20 mm डाया रॉड का यूनिट वेट कैसे निकालते हैं। 20 mm डाया का रॉड है, उसका डायामीटर कितना हो गया 20 mm। वेट कैसे निकालेंगे, d²/162 × लेंथ। d² मतलब 20 mm, ये मिलीमीटर, डी को हर बार हम लोग मिलीमीटर में लेंगे और लेंथ को हम लेंगे मीटर में, तब आएगा इसका यूनिट वेट। तो ये लेंथ हो गया यहाँ पे 1 मीटर, और d²/162, डी हो गया 20 square by 162 2.47। ये क्या हो गया, ये 2.47 है 20 mm डायर रॉड का यूनिट वेट। अब ऐसे ही हम वेरियस डायर रॉड का यूनिट वेट निकाल सकते हैं, जैसे 8 mm के लिए 0.39, 10 mm के लिए 0.62, 12 mm के लिए 0.89, 16 mm के लिए 1.58, 20 mm के लिए 2.47, 25 mm के लिए 3.86, और भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि D का जो वैल्यू है ये हम लोग मिलीमीटर से लेंगे, और जो लेंथ होगा वो हम लोग मीटर में लेंगे। ऐसे हम लोग सारे रॉड का यूनिट वेट निकाल सकते हैं, उससे हम लोग कोई भी रॉड का कितना वेट होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।